पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत, सांसदों का संसद से निलंबन लोकतंत्र की हत्या, हरीश रावत की तरफ से ये कहा गया है। कहा गया कि महत्वपूर्ण विधेयक बगैर विपक्ष के पारित करना असंवैधानिक है और गौरव पहलवानों के बजाय केंद्र ने अपने सांसद को तवज्जो दी। धामी सरकार को भू कानून पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस उत्तराखंड में अच्छा करने जा रही है। तो जीआईएस के वाल इवेंट है, अब अधिकारी निवेशक की तलाश कर रहे हैं, हरीश रावत की तरफ से ये दर्ज सरकार का प्रस्ताव। तो राव जी, केंद्र में तो एक बड़ा पॉलिटिकल फैसला हुआ, 150 के आसपास निलंबित कर दिए गए सेशन टू सेशन। हाँ, 148, और ऐसा लग रहा है जैसे 2020 मैच हुआ हो निलंबन का। आप किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश के अंदर इंस्टीट्यूशंस बने हुए, जो महा इंस्टीट्यूशन है संविधान, उसकी रक्षा के लिए। और मुझे लगता है कि सरकार ने यह तय कर लिया कि हर इंस्टीट्यूशन को या तो बदनाम करना है या उसको शक के घायल में लाना है। सत की सुरक्षा में सेंध लगी, देश की सुरक्षा में सेंध लगी, बहुत सारे प्रश्न उड़ जाते। तो एक पहलवान ने पहले ही खेलों से त्याग ले लिया है, ये सारी चीजें हो रही है। आपको नहीं लगता कि जो खेल के जो प्राधिकरण जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें थोड़े पेशेवर लोग आने चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप जितना कम उतना ठीक। देखिए, इसमें राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की असंवेदनशीलता झलकती है। तो श्री बृजभूषण सिंह जी से कहना चाहिए था कि भाई आप बस करिए, आप थोड़ी देर दूर रखिए, और इस समय इंटरिम काल के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, यदि वो चाह रहे थे कि खेल संघ में हमारा प्रतिनिधि आ जाए, खिलाड़ियों का प्रतिनिधि आ जाए, तो क्या रास्ता। दो इशू अपने उत्तराखंड में बड़े ज्वलंत चल रहे हैं, एक भू कानून बनाइए और एक मूल निवास के लिए कल यूथ रैली भी एक आयोजन देहरादून में करने जा रहे हैं, इनमें आपका क्या किस तरह का मत है। लेकिन भू कानून के विषय में लीपा पोती से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को सिंसियरली आगे आना चाहिए। और भू कानून की बहुत सारी बुनियादें हम बना करके गए हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव भू कानून जो है लेकर के आए। अच्छा, समिट के नाम से 3.5 लाख करोड़ के एमओयू भी साइन हुए हैं, गवर्नमेंट के इस एफर्ट को आप कैसे देख रहे हैं। जो देवता ऐसा लग रहा था, इन्वेस्टमेंट 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 कह रहा था, अचानक वही देवता जो है ठंडा पड़ गया है। जो इन्वेस्टमेंट का देवता था वो स्वयं ही ठंडा पड़ गया है। अब तो उनको ढूंढना पड़ा कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है करके। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्ट्रीट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वही देहरादून से बड़ी खबर, जहां परिवहन निगम के मृतक आश्रितों के लिए फैसला लिया गया है।